युगों युगों से चल रहा है मेघ, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूजनीय पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं धन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, ये सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशि। आज 15 जनवरी 2020 दिन बुधवार, माघ मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज पंचमी तिथि दोपहर 12:10 तक रहेगी और उसके पश्चात षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त, जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है, उसका समय नहीं पड़ेगा। आज राहु काल दोपहर 12:30 से लेकर 1:49 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी शुभ कार्य को करने से परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मैं आप सभी को बधाइयां देना चाहता हूं और ये इच्छा रखता हूं कि आपके और आपके परिवार का भाग्य का उदय आज इस दिन के साथ हो। अपने आप को और भाग्यशाली बनाने के लिए और अपने ऊपर भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए आज मैं आपको एक विशेष उपाय भी बताने जा रहा हूं। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। आइए अब जानते हैं कि मेष यानी कि एरीज राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। आज उनका स्वास्थ्य खराब होने से आप विचलित हो सकते हैं। आज जिन भी लोगों को लो ब्लड प्रेशर की बीमारी है वे अपना विशेष ख्याल रखें। आज ब्लड प्रेशर गिरने से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर या ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी जी से या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। आज आप रात को दूध ना पिए। आज रात को पिया हुआ दूध जहर के समान फल देगा। छात्रों को आज पढ़ाई में मन लगाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और आज डिस्ट्रैक्शंस के कारण आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे। यदि मेडिटेशन करके आज आप अपने मन को शांत करते हैं तो आपकी एकाग्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगी और उससे पढ़ाई में मन लगाने में आपको मदद प्राप्त होगी। मेष राशि वालों, अगर आपकी शादी की उम्र हो गई है और आपकी शादी में फिर भी विलंब हो रहा है तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हीरे की अंगूठी या उसका सब्स्टिट्यूट अवश्य ही धारण करना चाहिए। कुंडली का अध्ययन किसी योग के एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज मैं आपको
एक विशेष उपाय भी बताने जा रहा हूँ। आज आप प्रातःकाल उठकर उबटन लगाकर तीर्थ के जल से मिश्रित जल से स्नान करें, यानी कि आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो दूध या दही मिलाकर जल से स्नान करें। स्नान करने के बाद आपको अपनी इच्छा के अनुसार दान भी देना चाहिए। आज इस मंत्र का प्रयोग भी आपको अत्यंत भाग्यशाली बना सकता है। जो मंत्र है वो कुछ इस प्रकार है। ओम तत्पुरुषाय विद्यमहि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। मैं आपके लिए दोबारा इस मंत्र को दोहराने जा रहा हूं। ओम तत्पुरुषाय विद्यमहि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। आज इस गायत्री मंत्र का आप 51 या 108 बार जाप करें। आज आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सुब्रतो है। मैं कलकत्ता का रहने वाला हूं और काम का सिलसिले में मैं रहता हूं गुवाहाटी में। तो मैं तो पहले पूरा 0 होके रखा था। मेरा ना ही कुछ काम बन रहा था, मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। तो मैं यूट्यूब देखता था, तो एक दिन ऐसे सर्च करते करते गुरु माँ को मैं देखा और हाथों हाथ में उनसे कॉन्टेक्ट किया। तो उन्होंने हमको बोला कि ऐसे ऐसे उपाय करना पड़ेगा, तो मैंने किया। ये देखिए आप लोग, मैंने अपना हाथों में गुरु माँ ने जो अंगूठ दिया था वो मैं पहन के रखा हूँ। 22 डेज में ही मेरे को मैं अभी बहुत हैप्पी हूँ। मैं अभी अच्छे से लाइफ जी पा रहा हूँ। मेरा काम भी अच्छे से सही चल रहा है, अभी कोई टेंशन नहीं है। और मैं आप लोगों को भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग आराम से अच्छा कर सकते हैं। तब एक बार कम से कम गुरु माँ या गुरु जी से आप संपर्क कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपका रास्ता अपने आप खुल जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जय शनिदेव। थैंक यू गुरु माँ, लव यू। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।